हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू कृतिका बी एस सी क्लासेस टो टूडे वेर स्टार्टिंग इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद का यहाँ पे हम पीजीटीए 2021 का सलाबस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका एम एस सी जूलॉजी है चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ग्रुपे ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप जाकर वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ की स्पेशली अगर हम बात करें तो बी एच यू डी या फिर जितनी भी अदर यूनिवर्सिटी हैं जिसके एम एस सी एंट्रेंस एग्जाम्स की स्पेशली यहाँ पे क्यूज स्टार्ट है एंड प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर स्टार्ट है हैं तो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अगर हम सेलेबस की बात करते हैं नॉन कॉर्डेट्स की बात यहाँ पे सबसे पहले जो नॉन कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट में जितने भी फाइलम्स हैं जैसे कि फाइलम पोरीफेरा है फाइलम सिलेंड्रेटा है, है जितने भी फाइलम्स हैं इनको देखना है आपको ठीक है उनकी क्लासिफिकेशन हैबिट है ठीक है टेक्सोनोवी एंड एवोल्यूशनस है फिजियोलॉजी एंड बायो केमिस्ट्री है प्रोटोकॉड्स है एंड द वर्टिवेट्स है यहाँ पर इनवर्टिवेट्स की बात करें तो में जो लोअर नॉन कॉर्डेट होते हैं हायर नॉन कॉर्डेट तो हायर नॉन कॉर्डेट में इकाइनोडर में है जैसे कि मोलस्कस है तो इन्हें आप देख लीजिएगा बर्डी वर्ड की बात करें तो बर्डीवर्ट्स में जैसे कि एप्स हैं मेमल्स हैं ये जितने भी रेप्टाइल्स हैं या फिर किस जितने भी वर्टीवेट्स में आते हैं इनको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनके कॉमन नेम इनके लार्वल नेम ये सब देख लीजिएगा ठीक है वहीं पर यहाँ पर हम स्पेशल टॉपिक की बात करें तो स्पेशल टॉपिक में जो सेफनो जिसे कि हम हिंदी में तूतार कहते हैं इसका लिविंग फॉसिस आपको देखना है ठीक है वहीं पर बीटिंग मैकेनिज्म ऑफ पॉइनस स्नैक है स्नैक्स विनोम एंड द यहाँ यहाँ पे एंटीवेनिन जो होते हैं फ्लाइट एडप्टीशन ऑफ बर्ड एंड एक्वेटिक मैमल्स ये जो टॉपिक है ये स्पेशल टॉपिक है इनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं यहाँ पे जो ये फ्लाइट एडप्टीशन ऑफ बर्ड है एंड एक्वेटिक मैमल्स होते हैं इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछता है तो इन टॉपिक को आप इसकी मत कीजिएगा ठीक है वहीं पे एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोलॉजी आपको पता है अगर आप जुलॉजी का पेपर दे रहे हैं तो एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर हम अगर सिंपल एनिमल किंगडम या फिर क्लासिकल जुलॉजी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है कम से कम आपका अगर 50 क्वेश्चंस जहां पूछता है तो उसमें पंद्रह या बीस क्वेश्चन तो आपका सिर्फ एनिमल किंगडम से होगा ओके वहीं अगर जो टॉपिक नेक्स्ट आ रहा है जेनेटिक्स एंड सेल बायो सेल बायो से भी कम से कम आपका पाँच से छः क्वेश्चन पूछता है ठीक वही है वहीं पर मोल बायो एनी मोलिकुलर बायोलॉजी है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग है इन कॉमिक्स जुलॉजी है इन वॉयमेंटल बायो है डैव बायो है एंड इथोलॉजी है यहाँ पे अगर हम सेल बायो की बात करें तो सेल बायो में जितने भी ऑर्गनल्स होते हैं जिसमें कि माइट्रोकॉन्डिया एलाइसोसोम्स एंडोप्लाजमिक रेक्टिकलम इनकी जो मेन फंक्शंस होती हैं इनका जो मेन फंक्शन होता है इनकी साइटोस्कल्स का मेन फंक्शन क्या होता है इनकी डिजीज uh, क्या होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है तो देख लीजिएगा ठीक है वहीं अगर हम मोल बायो यानी बायोटेक की बात करें तो डी एन रेप्लीकेशन उनके एंजाइम्स कैसे होते हैं मिसल एन एन स्टॉल का एक्सपेरिमेंट देख लीजिएगा डीएनए डैमेज एंड रिपेयर कैसे होता है ठीक है ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछता है तो एक बार इसे देख लीजिएगा इन कॉमिक्स जुलॉजी तो ये इंपॉर्टेंट है उसे भी देख लीजिएगा इन्वायमेंटल बायो डेव बायो की बात करें तो यहाँ पर प्लांट एंड एनिमल का जो रिप्रोडक्शन होता है वो देख लीजिएगा गैस्ट्रोलेशन होता है ऑर्जिन ऑफ ऑर्जिन ऑफ ऑल ऑर्गन जितने ऑल ऑर्गन होते हैं इन्हें देख लीजिएगा ठीक है यहाँ पे अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स में इन्हेरिटेंस मैंडल्स का प्रिंसिपल आइडेंटिफाई द ब्लड ग्रुप कितने ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई किया गया ठीक है कॉन्सेप्ट ऑफ जीन जीन का कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा जीन मैपिंग देख लीजिएगा एंड देन म्यूटेशंस म्यूटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एंड ऑल क्रोमोसोमल डिजीज होता है सिंड्रोम्स होता है इनकी कौन कौन से डिजीज क्रोमोसोमल डिजीज कौन सा होता है रॉबर्ट्स या ट्रांसलेशंस और टाइप ऑफ टाइप ऑफ जेनेटिक्स डीजी ये कुछ जो टॉपिक है जो मैंने बताया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ इकोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा नहीं दिया कि अगर इथोलॉजी तो यहाँ पे इकोलॉजी और एवोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ कब होता है जिसमें कि जीएस कब है फूड चैन है ट्रॉफिक लेवल है बायोडावर्सिटी इकोलॉजी पिरामिड है तो ये जो कुछ टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसे आप देख लीजिएगा ठीक है एज वेल एज अगर वहीं हम जनरल नॉलेज की क्वेश्चन की बात करें जो कि आपके ऑल कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी जो फिफ्टी क्वेश्चन होते हैं वो कम्पलसरी होते हैं फिफ्टी क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट वाइज होते हैं वहाँ पर स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं बट फिफ्टी क्वेश्चन ही आपको चूज़ करने होते हैं फिफ्टी जो क्वेश्चन जनरल नॉलेज के होते हैं वो ऑल कैंडिडेट्स के लिए कम्पल्सरी होते हैं तो यहाँ पे जो फिफ्टी क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे जनरल नॉलेज का जो सिलेबस दिया है वो जनरल अवेयरनेस है जनरल इंग्लिश है जनरल हिंदी है लॉजिकल रीजनिंग है एंड मेंटल एबिलिटी है जी का जो एक क्वेश्चन होता है वो आपका टू मार्क का होता है एंड जो सब्जेक्ट वाइज आप फिफ्टी क्वेश्चन चूज करते हैं जो कोड वहाँ पे सबमिट करते हैं वो वन क्वेश्चन आपका फोर मार्क का होता है यहाँ पे हमने जो 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज की डिस्कस किए अगर आप ये एम एस जोलॉजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं और ये 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या आप ये क्वेश्चन करना चाहते हैं अगर क्वेश्चन करना है तो मैं इस पर वीडियो बना दूँगी जितने पार्ट में भी होगा आपका फिफ्टी क्वेश्चन से पूरी तैयारी जिनकी का करवा दूँगी तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग